वक्त बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं, सुधांशु मित्तल जी। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे सीधे अभी जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर ये कह रही है प्रदेश सरकार को लेकर कि प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है और अपराध के प्रति सरकार की मौन सहमति है। मुझे हमेशा मानना है कि राजनीति में लाशों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज की स्थिति जो है वो संवेदनशील स्थिति है जी। वहाँ प्रशासन जो है एक कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है और जो कि आ भी गई है। ऐसे समय में हमेशा प्रशासन का सहयोग देना चाहिए। सामान्य स्थिति हो जाए उसके बाद जितनी राजनीति करनी है करें, जिसको जो बोलना हो, जिसको जिसके ऊपर इल्जाम लगाना हो, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय प्रशासन, जिसको जो राजनीति करनी करे। लेकिन जब तक वहां संवेदनशील स्थितियां बनी रहती हैं, राजनीति का ये धर्म है, क्योंकि लोगों के प्रति आपका उत्तरदायित्व है। हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने से वोटें नहीं मिलती हैं। आप लोगों के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझिए। क्या उत्तरदायित्व है? कोई राजनीतिक दल चाहता है क्या कि कहीं भी जो है कानून व्यवस्था जो है खराब? नहीं चाहता ना, चाहना भी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आपके ना जाने से वहाँ सहयोग हो रहा होगा और वहाँ जाना या नहीं जाना, इसके परिणाम क्या निकलने वाले, इसका सबसे ज़्यादा आंकलन जो होता है वो स्थानीय प्रशासन पे होता है। हम लोग भी इतने साल प्रतिपक्ष में रहे यूपी में, दसियों वारदातें हुई, हम लोग ने भी कभी, लेकिन किसी ने जाके हठधर्मी नहीं दिखाई वहां पे। सर ये तो आप अपना एसपीजी का सुधांशु जी, जो सुरक्षा, सुधांशु जी ये बात तो आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरठ में क्या कुछ हुआ था लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब गए थे, तो ये बात शायद नहीं कही जा सकती है। चाहे कोई सत्ता में हो, चाहे सत्ता में ना हो, जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो एक कोशिश जरूर होती है कि उसको राजनीतिक तौर पर भुनाया जाए। लक्ष्मी सुनिए, मैं आपको बता, मेरे से पूछ लीजिए जी। मैं थोड़ा आपको बता दूं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कौन सा सुरक्षा कवच तोड़ताड़ के जबरदस्ती घुसे थे, कहां पे बताइए, कहां घुसे थे? एक यह है कि उनको अपनी बाहर उससे सीमा पे अपनी गिरफ्तारी दर्ज करवानी, जरूर दर्ज करवाए, लेकिन जबरदस्ती कहीं जाके वहां पर राजनीति करना किसी ने नहीं करा है। मैं बड़े उससे आपको कहना चाहता हूं। और प्रश्न मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि इस समय की स्थिति में समय की मांग क्या है? समय की मांग है कि पहले स्थिति जो है नियंत्रण में हो, सामान्य हो जाए। सामान्य होने के बाद किसने रोका? जो जिसको करनी करे। मुझे लगता है उत्तरदायित्व अपना समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपनी जो जिस पद पे राहुल गांधी विराजमान है, उनको है? अपने पद की गरिमा और समझ उसकी, उससे जो अपेक्षा है उनको। सुधांशु जी, मेरे साथ इस वक्त सुलेमान मोहम्मद खान साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस लीडर हैं आप, आपका भी स्वागत है। सुलेमान मोहम्मद साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जिस तरह से सुधांशु जी भी कह रहे हैं कि आप लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं, पहले सुधांशु मित्तल जी ये भी बता दें कि जब दादरी में अखलाक की लिंचिंग हुई थी, जो उसका कत्ल, जवाब ले लेते हैं सुलेमान जी, जरा जवाब ले लेते हैं। संगीत सोम और तमाम लीडर गए थे बीजेपी के, तब नहीं गए थे? तब आप नहीं गए थे? देखिए, और तब तो भाषण हुए थे, चलता जा रहा है जो कि कभी रुकेगा नहीं। क्या अब मेरी बारी है सुलेमान साहब? जरा मैं अपनी बात कर रख लूं, मैं अब तो मेरी बारी है, मुझे मेरी बात ही करने दीजिए ना। सर स्पष्टता से बात अपनी पूरी कर, आपको राजनीति करनी है, आपको मुबारक हो। आपको हल्की राजनीति करनी हो और मुबारक हो। आपको नकारात्मक राजनीति करनी है उससे ज्यादा मुबारक हो। हमें क्या फर्क पड़ता है? आपको जो करना करिए। कानून व्यवस्था को संभालने का कार्य जो है वो प्रशासन का है। जहां प्रशासन की चूक हुई, आपने देखा कि वहां के डीएम और एसएसपी को सस्पेंड इसीलिए करा गया। प्रशासन अपना काम करेगी, उसमें हमारे पे किस बात का फिर इल्जाम लगा रहे हैं भाई? आप करनी है राजनीति, जरूर करिए। स्पष्टता से जो प्रशासन का कार्य है वो प्रशासन जरूर करेगा, और उसका कार्य स्थिति को सामान्य बनाना, संवेदनशील स्थिति में किसी को भी उपद्रव ना करना या किसी को भी और भड़काने की स्थिति में लाने का। सुलेमान जी ये बताइए ना कि अगर प्रशासन ये बात कह रहा है कि अभी जाना सही नहीं है, अभी हमारा सुरक्षा के लिहाज से, वहाँ की सिचुएशंस के लिहाज से जाना ठीक नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों प्रशासन को अपना काम नहीं करने दे रहे? क्यों आप लोग अड़े हुए? सीधा सीधा तो सवाल ये है कि क्यों इतनी जल्दबाजी?
ठीक है। देखिए अजीब स्टेट है, अजीब अजीब माहौल है इस वक्त पूरे देश में, और बतौर खास जहां जहां जिन सूबों में जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, अजीब माहौल क्या कर रहे हैं सर, मुझे ये जवाब दीजिए ना, जो आप लोग कर रहे हैं वो ठीक है, अगर आज सिचुएशन टेंस हो जाती है तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि राज्य सरकार की गलती थी, पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा था? क्या इस बात की गारंटी है कि उसके बाद माहौल ठीक रहेगा? आप लोग क्या कर रहे हैं? कहली आप ने, आपने कहली अपनी बात जी, बताइए जवाब दीजिए। मैं बात कह ही रहा था, अगर आप, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो माहौल है इस टाइम उत्तर प्रदेश में, राज्य में, वो ऐसा है कि प्रशासन की आप बात कर रही हैं, सहारनपुर के एसएसपी तक तो सेफ है नहीं, उनके घर पे हमला हो गया, एसएसपी की फैमिली, परिवार, बीवी बच्चे माफी तलाफी कर रहे हैं और अपनी जान बचा के भाग रहे हैं भाजपा के लोगों से। जब ये हमले करते हैं, एसएसपी के बंगले पे हमला करा सर आपके पास, सर मेरा सीधा सवाल यही है कि इतनी जल्दबाजी, राहुल गांधी जाएंगे, सुनिए राहुल गांधी का जवाब दे रहा हूं मैं, कि आप ये बात करती हैं कि राहुल गांधी जी वहां जाएंगे कानून व्यवस्था खराब होगी। सर मैं नहीं ये कहना चाहती हूं, कानून व्यवस्था खराब करने जा रहा हूं, शर्म आना चाहिए आपको। सर मैं नहीं कह रही हूं, ये प्रशासन कह रहा है आपको इस बात को गौर से हमला करवा दिया सुनना होगा। गौरक्षकों को लाइसेंस दिए हुए इन्होंने और एंटी रोमियो स्क्वाड्स को, आप कहते हैं राहुल गांधी जाएंगे कानून व्यवस्था। चलिए मैं जरा सुधांशु मित्तल जी से जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु मित्तल जी, गलत है रोकना, ये कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि इनको इस समय दिक्कत इस बात की है कि महिला सुरक्षा यूपी में जिस स्तर की आज है शायद कभी नहीं देखने को मिली। आज यूपी में बहु बेटी अपने घर से चार औरतों का बलात्कार हुआ है जेवर में अभी। सुधांशु जी मुझे लगता है आप टीवी और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। प्रशासन में वहां पे अब आप बीच में ना बोले, थोड़ा सा तेजी दिखाएं आप सुलेमान साहब, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, थोड़ा सा तेजी दिखाएं थोड़ी सी। आप सभ्य आदमी है, आप असभ्य नहीं है तो सभ्यता दिखाइए, माफ करिएगा। तो यहाँ पे इनकी समस्या ये है, मुझे आपसे खलबलाहट नहीं है। अब एक स्टोरी आई कि भाई चार महिलाओं के साथ शोषण हुआ उनका, तमीज सीख जाए तो चुप रहिए। अगर आपको तमीज सीखने की जरूरत नहीं तो चुप रहिए, तमीज दिखाइए, जनता देख रही है कितनी बदतमीजी आप कर रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि यहाँ पे मैंने जो भी बदतमीजी नहीं करी, दुराचार किसी के साथ हुआ उसमें कानून ने क्या कार्रवाई करी, यह महत्वपूर्ण होता है। वहां संरक्षण किसी को नहीं मिला, फौरन जो है कानून, जो है कानून ने अपना काम कर। अच्छा थोड़ी प्लीज हम लोग सभ्यता से चर्चा कर सकते हैं। तो कानून ने फौरन अपना काम करा, कानून ने फौरन हर एक के खिलाफ कार्रवाई करी है, और जो सत्यताएं सामने आएगी किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। यहाँ पे इनकी दिक्कत यह है कि महिला सुरक्षित महसूस कर रही है, इनकी दिक्कत यह है कि थाने में जाके लोगों को अब घबराहट नहीं हो रही कि मैं एफआईआर लिखवाना चाहता हूं तो एफआईआर लिखेगा नहीं लिखेगा। इनकी इनकी समस्या यह है कि अब किसी को यह नहीं सोचना पड़ रहा कि क्या मैं एक विशेष धर्म का हूं तभी मेरी एफआईआर लिखी जाएगी, या एक विशेष जाति का हूं तब मेरी एफआईआर लिखी जाएगी, या हर एक को सुरक्षा है, हर एक की कंप्लेंट पे यहां पे कार्रवाई की जाती है। कभी इतने बड़े प्रदेश के अंदर कोई भी कानून व्यवस्था में अगर कोई कुताई होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर कि स्थिति को सामान्य हो जाने दीजिए, उसके बाद जो राजनीति करनी हो आपको करिएगा, जो संघर्ष करना हो करिएगा, जो आंदोलन करना हो करिएगा, जो जनता में संदेश देना होगा दीजिएगा। प्रशासन आपसे महिलाओं की महिला सुरक्षा पर सुधांशु जी कम से कम आंकड़े ले लिए आप अपनी सरकार से, जो बुरा हाल हुआ है महिलाओं के साथ और इन जनरल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आप थाने की बात सर, आरोप प्रत्यारोप तो ये चलते ही रहेंगे, पार्टी के लोगों ने आगरा में मेरे पास समय की पाबंदी है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे। आप ही ने दिखाया है, नहीं पाबंदी नहीं, सदर थाने की पुलिस को मारा है समय की पाबंदी है भाजपा के लोगों ने, और धमकियों के तो जाने कितने वीडियो आ गए। सर मेरे पास समय की पाबंदी है, मुझे चर्चा को यहाँ रोकना होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा राजनीति में, लेकिन बहुत अहम सवाल है संवेदनशील मुद्दों को, जो राजनीति की भेंट चढ़ाने की कोशिशें होती है, क्यों नहीं इन मामलों को समझने की कोशिश होती है संजीदगी से। सुलेमान साहब जुड़े आप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी सुधांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। सर्वेश में अपडेट आपसे लूंगी आगे भी जानकारी, फिलहाल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।